समाज के अनुयायियों से मिलने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, जहां उन्होंने पहुंचकर सर्वप्रथम संत श्री गाडगे महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माला चढ़ाई। वहीं उन्होंने रजक समाज को कई सारे शब्द बाग भी दिखाए, जिसके चलते यह अपील की कि उन्हें वोट देकर महाराजा सिंधिया के हाथ मजबूत करना है और कांग्रेस को जिताना है। लेकिन जो रजक समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, इस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। जब उनसे पूछा गया कि शहर के जिला चिकित्सालय में कई सारी अनियमितताएं हैं, इसके जवाब में भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन मात्र ही दिया कि दिखवाता हूं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि प्रसूत वार्ड में डॉक्टरों द्वारा मरीज को गंभीर हालत में बताकर रेफर कर दिया जाता है और बाद में रास्ते में उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, इस पर भी उन्होंने सिर्फ यही आश्वासन दिया कि केवल मैं दिखवाता हूं और जांच करा लूंगा। कोई ठोस जवाब उन्होंने नहीं दिया। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर की हालत सर दिन ब दिन खराब होती जा रही। सर वहाँ ये आप जाके देखो पहले और अब में कितना अंतर आया सर। साफ सफाई की व्यवस्था पहले की तरह नहीं सर, वहाँ पे चूहों का इतना आतंक है सर। अगर किसी को कुछ होता है सर, ध्यान में लाए हो, मैं अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है? आपने बोला तो साफ सफाई हो जाएगी सर। प्रसूति वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी के लिए सर जो रेफर करना चाहिए सर, उसके लिए सर सीरियस बताकर उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है सर। संज्ञान में भी आपने ला दिया है, इसलिए भी बात कर लेता हूँ, जांच कर लेता हूँ। दो तीन केसेस हो चुके हैं सर जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में, सुधार किया जाए।